लोकसभा चुनाव को लेकर 23 सीटों की बात शिवसेना की तरफ से रखी गई है, उसको कल संजय निरुपम ने भी बयान दिया। देखिए हम बात ऐसी है, कौन क्या करता है किसी बोलता है किसी पार्टी में, उसका ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खड़गे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहां कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत एनसीपी हो चाहे हम है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है, और हम कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे, और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांडर उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या, यहां वहां कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं।